हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और आप लोगों का सीबीएसई पाठशाला के इस ऐप पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। और आज हम लोग को स्टार्ट करना था कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी क्या है, किसी चीज के बारे में उसको जानना है। तो हम लोगों का जो ये सीबीएसई पाठशाला का ऐप है, आप लोग इसको स्प्रेड कर सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानकारी रख चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस के बारे में। तो एकदम बेसिक चीज हम लोग आज करेंगे, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैसे हम लोग कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या होगा और किस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्या डिपेंडेंसी होती है और कैसे हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे उसके बारे में समझना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मीन्स होता है किसी चीज को रखने की क्षमता। मीन्स दैट कि अगर हम लोग ये कहें कैपेसिटी, मतलब कंटेनर टाइप में हम लोग कह सकते हैं, कंटेनर का कैपेसिटी होता है। हम लोग कहीं पर भी जानते हैं कि हाँ इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी कैपेसिटी इसके पास है। दैट मीन्स कैपेसिटी मीन्स किसी चीज को स्टोर करने, होल्ड करने की रिक्वायरमेंट। तो हम लोग यहाँ पर किसके स्टोर करने की बात करेंगे। हम लोगों को चाहिए होगा चार्ज। क्या चाहिए होगा? चार्ज। अभी तो चार्ज हमारे पास रेस्ट में है और उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चार्ज के कारण, ड्यू टू द चार्जेस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टोर द चार्ज एनीवेयर। अब हम लोगों को चार्ज को कहीं स्टोर करना है, रखना है, वी हैव टू। अब रखने के लिए चार्ज को हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है और किन चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वाओ, देखिए सर, हम लोगों ने क्या पढ़ा है शुरुआत में, हम लोगों ने कहा कि चार्ज नाम, मतलब चार्ज समथिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विच इंट्रेंसिक फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस फोर्स विच एग्जर्ट फोर्स ऑन द अदर मटेरियल अदर मैटर विच हैज द चार्ज। चार्ज ऑफ द टू टाइप, चार्ज रेस्ट में है, देन इट विल एग्जर्ट फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स कूलम्स लॉ, फिर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, हम लोगों ने कहा फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लोगों ने देखा। नाउ द वर्क डन फ्रॉम टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल। नाउ वी आर गोइंग टू न्यू इंट्रोडक्शन। इफ यदि अगर हम लोग ये देखें ना कि अगर हम लोग उसको स्टेप बाई स्टेप देख रहे हैं तो हमें लगेगा ही नहीं कि हमने पीछे इतना कुछ पढ़ लिया है। क्या किया हम लोगों ने? बस फोर्स निकाला, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हम लोगों ने फाइंड किया, पोटेंशियल फाइंड आउट किया। नाउ अब हम चार्ज को स्टोर कैसे करेंगे? हमें चार्ज को स्टोर करना होगा तो उसके बारे में, यानी हम लोग ये कहें कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, एनी किसी भी कंडक्टर का, तो एनी कंडक्टर क्या कैपेसिटी है, वो कितना अमाउंट हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मीन्स हमें चार्ज कैपेसिटेंस, हम लोग कहना क्या चाहिए था, नाम होना चाहिए था चार्ज कैपेसिटेंस, बट वो कैपेसिटेंस है अंडरस्टूड है। हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या जाएगा और चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, इंसुलेटेड मतलब हम लोगों को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, सम चार्ज, इट एक्वायर्स ए सर्टेन पोटेंशियल। ओहो, मतलब हम लोग ये जानते हैं ना कि कहीं पर भी अगर हम लोग चार्ज को, चार्ज अगर रखेंगे तो उसका चारों तरफ, ऑल अराउंड दैट चार्ज देयर विल बी अ पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल आ जाएगा इफ वी इंक्रीज द चार्ज। अगर हमने चार्ज को इंक्रीज किया ऑन द कंडक्ट ऑफ ऑन ए कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। Yes, हमने कहते पोटेंशियल का मतलब मैंने बताया था कि वर्क करने की एबिलिटी। व्हाट इज योर पोटेंशियल? मेरी पोटेंशियल है, हम लोग का ये ऐप जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम पोटेंशियल, हमारा रिसर्च वर्क पोटेंशियल है, और फिजिक्स में मेरा पोटेंशियल है एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना, और आपका पोटेंशियल है कि आपके पास सीबीएसई ऐप पाठशाला का ऐप है। पोटेंशियल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल मीन क्षमता। क्षमता हमारे पास किस चीज की? अगर हम लोगों ने चार्ज को बढ़ाया, अगर हम लोगों ने चार्ज को इंक्रीज किया, then potential will increase. Oh, potential also increases. Means हम लोग ये कह रहे हैं कि चार्ज और पोटेंशियल में some like friendly एक relationship है।
कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, अगर चार्ज रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल भी रिड्यूस होगा। दे आर फ्रेंडली, और जहां पर फ्रेंडली होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिवर्सली मीन्स दुश्मन टाइप का लोग, दुश्मन टाइप का लोग हमारे खुशी में वो दुख, दुख उनको दुख होगा, दे विल फील सॉरोनेस, एकदम प्रॉब्लम आएगा, इनवर्सली होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स दैट कि अगर हमारे पास चार्ज कहीं पर भी इंक्रीज होगा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से दैट कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। द चार्ज पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय वी, देन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओहो, मतलब हम लोग जितना चार्ज हम लोग कहीं पर रखेंगे वो उसके अराउंड का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। हमने कह दिया नाउ मीन्स दैट अगर चार्ज जीरो है पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। नाउ अब हम लोगों ने कहा कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाएंगे देन देयर विल बी अ कांस्टेंट, देन देयर विल बी अ कांस्टेंट। ये सी फॉर कांस्टेंट नहीं है, सी फॉर कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोगों ने कहा कि इस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, मीन्स दैट चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर। नहीं, हम लोग को चार्ज को फ्लो नहीं करवाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाना। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। ओहो, मींस अगर हमने कह दिया कि अगर हमारे पास कहीं पर भी कैपेसिटेंस की अगर बात कर रहा है तो वन यूनिट अगर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट करेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। मतलब हमारे पास जितना भी चार्ज आएगा बाय यूनिट अमाउंट ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ द, हमने कहा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एट द चार्ज रिक्वायर्ड। कितना चार्ज चाहिए आपको वन यूनिट हमें प्रोड्यूस करने के लिए, वन यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए द अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। मीन्स कैपेसिटेंस नथिंग एल्स फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू एंटर हाउ टू स्टोर एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एंड द प्रोपोर्शनलिटी साइन इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस। मीन्स दैट कैपेसिटेंस जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया ना। अब हम लोग ये कहें द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट रनिंग ए हाई पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ओहो, अगर हम लोग ये कहें कि जो चार्ज है हमारे पास वो क्या है, चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। चाहे हम लोग 10 तरीके से डेफिनेशन देखेंगे, ऑल डेफिनेशन विल प्रोवाइड कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। मींस कितना अच्छा है ना हम लोग पास कि हम लोग अब चार्ज को होल्ड करना है, चार्ज को होल्ड करके हम उनका इफेक्ट देखेंगे, व्हाट विल बी द, दे विल वर्क, वही काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फिर हम लोग फोर्सेस, और उसमें हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी दो अगर हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनके बीच में अगर पोटेंशियल अगर हम लोग ने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, कितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, विदाउट रनिंग ए हाई पोटेंशियल इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पर होगा, हमारे पास साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ओहो, कंटेनर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम लोग अमाउंट ले सकते हैं। मीन्स दैट हमारा कंटेनर जितना बड़ा होगा उतना नंबर ऑफ मटेरियल उसमें हम होल्ड कर सकते हैं। तो शेप एंड साइज पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अब हम लोग गए हैं कहीं पर, मान लिया जाए कि हमें बहुत ज्यादा, सपोज दैट कि हम एक रूम में एंटर करते हैं एंड रूम में एंटर करने के लिए हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं वहां पे बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है, करेंसी रखी हुई है, डायमंड्स रखे हुए हैं और हमारे पास हमारा स्कूल बैग है। हम स्कूल बैग में ही तो रख पाएंगे, कैरी कर पाएंगे और उसको कहाँ से ले पाएंगे। मीन्स दैट हमारे पास अगर बहुत बड़ा सा अगर कंटेनर होता देन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट कर लेते और उसको हम लोग कोई ले जाने के लिए अगर प्रोसेस होता तो हम लोग ले जा सकते थे। लेकिन अगर कंटेनर में केवल होल्ड करना है तो जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना बड़ा हम लोग क्या कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। यानी साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, वो ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट डिपेंड। ये हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, बट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर, यहाँ पर परमिटिविटी पर भी डिपेंड करेगा। ओ
प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरर हुड। नेबरर अगर हम लोग ये कहें नेबरिंग हुड में, अगर हमारे पास ये जो उसके पास में अगर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास जो उसके सराउंडिंग में कौन कौन है, हमें कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, हमारा सपोर्ट करने वाला है, कोई हमें दौड़ करके पीटने के लिए आ रहा है अगर हम कोई चीज अगर रिसीव कर रहे हैं, मीन्स दैट अगर कंडक्टर इन अगर सराउंडेड हमारे पास कोई दूसरा मटेरियल है, उसके इफेक्ट उसका इफेक्ट भी हमारे पास आएगा इस पर कंडक्टर पर, कि हमारे पास कितना हम चार्ज होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कैपेसिटेंस ओनली इंडिकेट्स दैट द अमाउंट टू होल्ड द चार्जेस। नाउ अब हम लोग ये कहें कि यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस क्या होगा, ओहो यूनिट हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या होता, हमारे पास था चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्या है, कूलम पर पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में अगर हम लोग जाने वोल्ट, तो चार्ज कूलम पर वोल्ट इज नोन एज यूनिट ऑफ द, लेकिन हम लोग एसआई सिस्टम में, एमके सिस्टम में, और इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट करना है। एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस वन कूलम पर वोल्ट, वन वोल्ट अगर हम लोग कहें तो इसको लिखते हैं वन फैराड। ये वन फैराड क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, नेम्ड इन द माइकल फैराडे। माइकल फैराडे हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था कैपेसिटेंस के ऊपर, हमने उनके ऑनर में उनके नाम पर इसका यूनिट रख दिया। मीन्स वन फैराड है क्या, वन फैराड इज वन कूलम अपॉन वन वोल्ट, यानी वन कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वन फैराड इफ द एडिशन ऑफ चार्ज इज वन कूलम टू इट इंक्रीजेज इट पोटेंशियल बाई वन वोल्ट। एक वन कूलम का अगर हम लोग चार्ज ऐड करें और वन पोटेंशियल, वन यूनिट पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वन फैराड, यानी वन फैराड इज इक्वल टू वन कूलम पर वोल्ट। तो ये तो बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत है, हमने कहा कि हाँ इजी तरीके से बताया गया है तो आप लोगों को इजी लगेगा ही। आइए हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसका डायमेंशन कैसे, हम लोग डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, वन फैराड इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, वन फैराड इज इक्वल टू वन कूलम पर वोल्ट, वन कूलम पर वोल्ट, वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम से कूलम स्क्वायर हो जाएगा, वन जूल हो जाएगा और कूलम। देखो हम लोग पास फंडामेंटल क्वांटिटीज में वी हैव एडेड करेंट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नॉट द चार्ज, देन वी विल कन्वर्ट द चार्ज, तो क्या होता है, चार्ज फ्लो रेट इज इक्वल टू होता है करेंट एम्पियर, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। तो एम्पियर को अगर हम लोग कूलम को लिखें तो एम्पियर सेकेंड, यानी सेकेंड का मतलब टाइम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंड, ये क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ये बार बार आएगा तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया और जूल को न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो एम्पियर को हम लोग एम्पियर रखेंगे, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, मीटर को एल। नाउ इसको अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर फोर ए स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इट इज मतलब जब आप लोग का क्वेश्चन आएगा फॉर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, देन इट द डायमेंशन कैन बी, आप लोगों को हम लोग का ये डायमेंशन आना चाहिए और ये हमारे पास एक यूजफुल क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ये डायमेंशन यू हैव टू रिमेम्बर ऑल्सो इट एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस, आपको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। नाउ अब हम लोग ये कहें कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हमारे पास है कहीं पर भी स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर कोई हमने सपोज दैट एक हमारे पास सॉलिड है एंड इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है समथिंग, रेडियस हम लोगों को क्या लिया है कंसीडर एंड रेडियस आर, तो रेडियस हम लोगों ने आर ले लिया कैपिटल आर। नाउ अब हम लोग ये क्या कह रहे हैं, द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस एंड इट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। अब हम लोग ये कह कहेंगे कि इसको अगर हमने चार्ज दे दिया तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे, कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर है तो चार्ज हमारे पास एवरीवेयर क्या हो जाएगा, हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ना अगर हम लोग ये कहें कि किसी भी पॉइंट पर अगर इसका हमें वो देखना हो इसके सरफेस पे एनी वेयर ऑन इट्स सरफेस, हम लोग को ये कहना हो कि इससे कितना हमारे पास पोटेंशियल आएगा,
मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर पे हमारे पास कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वो देखना हो पोटेंशियल, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं वी इज टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। अब अगर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तब भी हमारे पास आ जाएगा, मींस दैट हमने ये कह दिया कि हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो हम लोग जानते हैं q इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ये कहें कि हमारे पास c इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो हम लोग ये कहें कि इसको इधर ले जाए इसको इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q upon V is equals to 4 pi epsilon naught into R. It means that C is equals to 4 pi epsilon naught into R. This is the capacitance of spherical conductor. Spherical conductor का ये हमारे पास क्या हो गया? Capacitance हो गया. Means that कि अगर हमारे पास जितना ज्यादा radius होगा, उतना ज्यादा हमारे पास charge को हम लोग क्या कर सकते हैं? Hold कर सकते हैं. Capacitance of a spherical conductor is proportional to its radius. Wow. Capacitance हमारे पास होता है directly proportional. See, directly proportional to radius. Radius of capacitor. Spherical capacitor. Spherical capacitor. Now, अगर हम लोग ये कहें कि proportional to its radius, अब हम लोग ये कहना चाहें कि इसमें अगर हम लोगों को ये बताना हो कि ये हमने तो देख लिया भाई स्फेरिकल कैपेसिटर है, अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस अगर हम लोगों ने निकाल लिया, ये 1 फैराड भी होगा, तो 1 फैराड इसका अगर यूनिट होगा, तो हम लोग ये कहें कि सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक 1 फैराड अगर हमें लोगों को कैलकुलेट करना है, 1 फैराड इज इक्वल टू हमारे पास कितना क्या होगा, 1 फैराड इज इक्वल टू हमें अगर कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 upon 9 into 10 to the power 9। मींस 1 फैराड चार्ज को होल्ड करने के लिए अमाउंट ऑफ रेडियस अगर हम लोग को लेना हो तो कितना होगा, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 9 into 10 to the power 9 meter। ओहो, ह्यूज, वेरी ह्यूज रेडियस, एंड दिस रेडियस इज वेरी लार्ज, और इतना बड़ा कैपेसिटर हम लोग कहां से लाएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। Means that 1 farad is a very very large unit. अब हम लोग जब भी चार्ज को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो या तो हम लोग मिली फैरड में करते हैं, मिली फैरड में हम लोग करेंगे, और मिली फैरड का मतलब क्या होगा, मिली फैरड का मतलब होगा 10 to the power minus 3 farad, और जनरली हम लोग जो करते हैं ये तो मिली में भी कर सकते हैं माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10 to the power minus 6 farad। मींस हम लोग जनरली जो चार्ज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 10 to the power minus 6 farad के टर्म्स में करते हैं, तो वो हमारे पास इजी रहता है, या फिर नैनो, हम नैनो फेरेड में कर सकते हैं 10 to the power minus 9 farad, पीको फेरेड में भी हम लोग कर सकते हैं 10 to the power minus 12 farad। ये हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए एक बेसिक पार्ट था कि हमारे पास कितना बड़ा कैपेसिटर, मतलब हम लोगों को अगर 1 farad अगर चार्ज कलेक्ट करना है तो कंटेनर हमारे पास बहुत बड़ा होना चाहिए, मोर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, मोर देन रेडियस। हमारे पास रेडियस कितना होता है, रेडियस अगर हम लोग देखें, सपोज दैट कि हमारे पास आर इक्वल्स टू इतना मीटर है, इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर, और हम लोग का रेडियस जो होता है वो कितना होता है, R is equal to 6400 किलोमीटर। मींस इससे बहुत बड़ा है ये, अर्थ रेडियस से बहुत बड़ा है, मतलब हमारे पास जो रेडियस आना चाहिए अर्थ से भी बड़ा होना चाहिए कंटेनर, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसलिए हम लोग फैराड को हम लोग छोटा करने के लिए माइक्रो फैराड का यूज करते हैं या फिर हम लोग मिली फैराड का यूज करते हैं। ठीक, तो इसके लिए अगर हम लोग ये देखें तो ये हम लोग इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग देखें, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आगे का लेक्चर करने के लिए हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किस तरीके से पैरेलल
कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आते हैं उसको हम लोग कैसे सीरीज में कंबाइन कर पाएंगे, हम लोग पैरेलल में कर पाएंगे, स्फेरिकल जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, उनके कैसे कैपेसिटेंस निकल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल दैट नंबर, नंबर चेंज हुआ है क्या? 7518277277। ये तो अच्छा आ गया ना, चलिए 277 और 277। 7518 आपको रिमेम्बर रखना है। दूसरा हमारे पास क्या है, 7458014635। तो ये फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न।